नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। पृथ्वी जैन मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज ने महावीर दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को भी पा सकते हैं। यदि आपके अंदर सच्ची भक्ति है तो भगवान स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। बस केवल भक्तों के अंदर सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। वहीं भक्तांबर कार्यक्रम में जैन अनुयायियों ने क्रांतिवीर जैन मुनि प्रतीक सागर जी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ 2688 दीप प्रज्वलित किए और भक्तांबर स्त्रोत की आराधना की गई। एक साथ हजारों दीप प्रज्वलन होने पर दृश्य बड़ा ही मनमोहक लग रहा था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग लोक में साक्षात देवताओं की आराधना की जा रही हो, जिसमें मुनिश्री प्रतीक सागर जी महाराज ने 48 मंत्रों द्वारा दीप प्रज्वलित कराकर देश, समाज, राष्ट्र, परिवार में सुख शांति और कोरोना की भयंकर महामारी से मुक्ति मिले, इसके लिए प्रार्थना भगवान प्रार्थना की है। संपूर्ण कार्यक्रम संगीत में किया गया, जिसे देखकर लोगों ने कहा कि संत जहां पहुंच जाते हैं वहां रोज दिवाली जैसा माहौल निर्मित हो जाया करता है। संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। जिसके अंदर जो है संसार की संपूर्ण मन की इच्छाओं को पूर्ति, आदि व्याधियों के निवारण के लिए, यानी कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिस कार्य को संपूर्ण इस काव्य के माध्यम से ना किया जा सके। जैन दस जिस तरह से हिंदू परंपरा में भगवत गीता का जो महत्व है, जैन परंपरा में वही महत्व भक्तांबर महाकाव्य का है। इसके अंदर जो है सर्वाधिक बीजाक्षरों का उपयोग जो है इस भक्तांबर महाकाव्य के अंदर किया गया, जिसके अंदर जो है 2688 बीज मंत्रों का जिसका उपयोग किया गया, जिसके हमने जो है अभी एक एक श्लोक पर हमने दीप प्रज्वलित करके जो है आज इस कार्यक्रम को आनंद के साथ में संपूर्ण किया है। भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि भगवान पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति का वातावरण हो। जो सारा देश कोरोना महामारी की व्याधि से जो है ग्रसित है, उससे निजात मिले और जीवन में हंसी, खुशी, प्रसन्नता सभी के जीवन में बिखरे, यही भगवान आदिनाथ से प्रार्थना, यही भगवान आदिनाथ से आने वाले विनय। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम परमात्मा को पा सकते हैं। क्योंकि भक्ति जब दिल से पैदा होती है तो भगवान स्वयं चल करके भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाया करते हैं। मीरा के मन में भक्ति जागृत हुई तो नारायण जो है नारायण श्री कृष्ण स्वयं चल करके जो है मीरा के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। शबरी के मन में जब भक्ति जागृत हुई तो जो है राम स्वयं चल करके शबरी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और चंदन वाला के मन में भक्ति जागृत हुई तो तीर्थंकर महावीर दरवाजे पर चल करके पहुंच जाते हैं। और जब राजा श्रेयांश के मन में भक्ति जागृत हुई तो जो है तीर्थंकर ऋषभदेव उनके दरवाजे पर चल करके पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नील, और पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। जिस भक्त का मन निर्मल हो जाया करता है, भगवान स्वयं चल करके उसके दरवाजे पर खड़े हो जाया करते हैं। ऐसे सातिशय पुण्य का आश्रय आज हमने यहाँ पर बैठ करके किया है। कल एक और अद्भुत आयोजन इस डबरा की सर जमी पर किया जाना है, जिसकी जो है मैंने सुबह घोषणा की थी, बताया नहीं था। वह जो है